कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के बारे में जानकारी दी और हर कार्यकर्ता के 10 दिन 10 घंटे यानी कि 100 घंटे हर बूथ पर समय देने की बात कही। साथ ही आज के दिन शेष कार्यकर्ताओं को गंभीरता से काम करने की बात कही है। और इस बीच वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा है, तो आइए सुनवाते हैं आपका कुछ कहा वीडी शर्मा ने। इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर जो ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हमने एक बहुआयामी योजना बनाई थी कि संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे यानी 100 घंटे का समय देकर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएगा। आज मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, कि अथक मेहनत और इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको एक्टिविज्म कहते हैं, आज उतर करके जमीन पर बूथ का वेरिफिकेशन और बूथ को डिजिटल बूथ बनाना आज के तकनीकी युग में जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसको लेकर के जो इच्छा है, एक प्रभावी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, ये संकल्प लेता है तो कुछ भी कर सकता है अपने संगठन के लिए। मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इस योजना को इतना यशस्वी और प्रभावी बनाया है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बूथों पर आज 5 तारीख तक हमारे लोगों ने इस भूमिका को निभाया। आज महत्वपूर्ण दिन है, आज बसंत पंचमी भी है, मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज हमने अपील की है कि आज के दिन शेष बचे बूथों पर कार्यकर्ता अपना काम और गंभीरता से पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में इतिहास बनाया। आंदोलन वो करें, उनका अधिकार है, करना चाहिए उनको। गाड़ी से उतरे तब तो आंदोलन होगा, सड़क पर आएंगे तब आंदोलन होगा, धूल खाएंगे तब आंदोलन होगा, सर्दी में निकलेंगे तब आंदोलन होगा। कमलनाथ जी, गाड़ी में बैठने से आंदोलन नहीं होता, एक बार। और 15 महीने की सरकार आपकी जनता ने देखी है, आपने किसानों के साथ क्या किया था, किसानों के साथ कितना धोखा आपने किया था, कितना छल कपट किया था, और किसानों से लेकर के गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके आप चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप चिंता मत करिए। शिवराज सिंह चौहान जैसा संवेदनशील व्यक्ति मुख्यमंत्री है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, उद्योगपति का बेटा नहीं है, किसानों का दर्द वो जानता है। और उनके लिए दिन रात एक करके काम करने वाला मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं। कमलनाथ जी, आप चिंता मत करिए, आप गाड़ी बैठे रहिए और जैसे आप चल रहे हैं वैसे ठीक।